लेडी सुनीता सुमन टूर है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नवजोत सिंह सिद्धू की भैन है, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने ब्लॉक किया वा ते उन्होंने मदर की भी डेथ। मैं उन्होंने नहीं जानती, उन्होंने कोई फादर पहली मैरिज सी किसी लेडी नाल, दो डॉटर्स हुई सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती। लड़न नाल ज्यादा मेहनत करनी पैनी? बिल्कुल भी नहीं, असीं अपनी मेहनत शुरू तो करदे आए हैं, जिन्ने पैसे मिलते हैं उन्ने इमानदारी नाल लांदे आए हैं, तो उहदे नाल तां घट मेहनत करनी पैनी है क्योंकि मैनू नहीं लगता कि जेड़े बंदे ने सारे पंजाब दी पीढ़ी सारे बच्चे बर्बाद किए हैं, मजबूर किया लोगों नूं कि कैनेडा ते बाहर जान क्योंकि इन्ने साल इन्होंने राज किया है, तो कुछ भी यह जहाँ नहीं कर पाए पंजाब च जिदे विच पंजाब दे बच्चे पंजाब च रह जान, सारे भज भज के बाहर जा रहे हैं आईलेट्स क्लीयर करके। सो यही दर्शाता है भी तुसीं पंजाब च कुछ किया ही नहीं, बच्चों लिए नहीं किया कोई कॉलेज कुछ यह जहाँ लैवल का किया ही नहीं भी बच्चे इतने ठहरन, सो ये डिजर्व ही नहीं करते। इन्हों ऑलरेडी लोग पंजाब के नकार चुके हैं एंड जिन्नी मर्जी कोशिश कर लैन, वैसे भी बड़े बादल साहब की गेम है कि इन्हू टोटली खत्म किया जाए, यदि बेइज्जती की जाए ताकि मेरे मुंडे को कोई पूछ सके। तो है नहीं हूँ तो कोई भी कह सकता खड़ा होकर मैं तेरा रिश्तेदार हाँ, जो तो कला मुंडा अपने बाप का तो कला ही मुंडा है। मजीठिया साहब कह रहे हैं जो अपने भैन के नहीं बने वो पंजाब के जमें बने, वो भैन की तो हवा चो आ गई, भैन है ही नहीं कला मुंडा है, सारे सर्टिफिकेट चेक कर लो। मैडम तलबीर सिंह गिल कह रहे हैं कि तुहाडे हल्के दे जिहड़े कौंसलर ने वो अकाली दल के संपर्क च ने, की कहना चाहोगे? मेरा कोई कौंसलर यह जे काम नहीं करता, बहुत चंगी गल है कि बड़ी आराम नाल जीत जांगे, कोई भी ईमानदार बंदा आ जांदा सानू फिकर हुंदा, ते बाकी मिलना तो सबनू है, मैं बंदा हर एक नू मिल सकदा है, पर मैनू ये पता है कि ये लोग पागल नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों नू नशियां वाल नहीं लैके जाना, इन्होंने अपने बच्चों नू अगे लैके जाना है, काम वाले पासे लैके जाना है, इन्हों नू आप समझ है जे इन्होंने अपनी अगलियां पीढ़ियां बर्बाद करनी है तो मजीठिया नू वोट पा देंगे, तो जे इन्होंने चाहते हैं भी अपने बच्चे चंगा है ना भी अपने बच्चे चंगी पढ़ाई कर, इन्होंने पुछ लो, इन्हों चो कोई नहीं वोट पाने को तैयार, सो मैं फर्क ही नहीं पड़ता। यह अपन नहीं पता, ये राहुल जी की मर्जी है, पर जोड़ा भी होया सारे कट्ठे होकर लड़े। मैडम कल एक राहुल गांधी के सामने एक सिद्धू साहब स्पीच कर रहे थे कि मैंने कहीं दर्शनी घोड़ा ना बना दो, जो मैंने निर्णय लैन की ताकत दो, तू लगता कितने ना कि सिद्धू साहब भी ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने मिसयूज करेगी? नहीं है नहीं होंगे, बंदा मेरे वर्गा भी कहता है हमेशा, जो मैं चेयरमैन नहीं देनी सी तो मैं भी सीएम साहब को कहा भी मैं काम वाली दियो, मैं यही जी ना दियो, मैं तनख्वाह नहीं चाहिए, गड्डी से गनमैन नहीं चाहिए, मैं काम यही जी कुर्सी दियो भी जिथे बैठ के मैं काम कर सकता, लोगों की भला कर सकता, सेवा कर सका, नहीं तो मैं ना दे। मैम पहले तीन पार्टियां सी, हुण बहुत सारे कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्नी मर्जी आ जान, पर वैसे गलत प्रथा है क्योंकि हौली हौली फिर ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, नैशनल पार्टीज ही होनी चाहिए। प्यार मिल रहा जी चोन प्रचार किया किन्ने महीनों की चली हुई है सारे बाद, ते सो सारा टाइम अज तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं, गनमैन होवे ना होवे, कल्ली सड़क पे होवे जफ्फी पानिया, जेड़े मेरे साइकिल वाले वो भी पहचानते हैं, रेहड़ी वाले वो भी पहचानते हैं, दुकान वाले वो भी पहचानते हैं, छोटे बच्चे वो भी पहचानते हैं, स्कूलों से जाके मैं उन्होंने नाल खाना खाधा होया, स्कूल के बच्चे मैं वो भी जानते हैं, वो भी इन्ना प्यार करते हैं। सिद्धू साहब का जरा हंकार तोड़े जा मजीठिया साढ़े कोई हंकार नहीं बाबा, असं परमात्मा तो बहुत ज्यादा डरते हैं, परमात्मा ना करे साढ़े कदे भी हंकार आवे, जे हंकारे बंदे वो सड़कों पर नहीं घूमते, वो लोगों ए जफ्फिया नहीं बनते। मजीठिया पूर्वी हाँ जित बहुत आसान हो जाएगी सर।